किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने कहा कि जीवन शैली से संबंधित बीमारियां 21वीं सदी के लिए चुनौती है। आज बीमारियों से होने वाली मौतों में 70% जीवन शैली पर आधारित बीमारियों के चलते हो रही है। आज के दौर में स्वास्थ्य रक्षण के लिए महर्षि वाग्भट के द्वारा उपायों पर अमल करते हुए ऋतुचर्या दिनचर्या के अनुरूप स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर भट्ट महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार के गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में 7वें आयुर्वेद पर्व पर धन्वंतरी जयंती साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत बुधवार को महर्षि वाग्भट स्वस्थ जीवन शैली एवं आरोग्य विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने महर्षि वाग्भट के जीवन व उनके कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि महर्षि वाग्भट महान ज्ञानी महर्षि चरक के शिष्य थे। आयुर्वेद के सभी 8 अंगों का सारगर्भित वर्णन करने का श्रेय महर्षि वाग्भट को जाता है। उन्होंने अष्टांग हृदय के अलावा आयुर्वेद के अनेक अनमोल ग्रंथों की रचना की। अष्टांग हृदय में ही आज भी अति लोकप्रिय पंचकर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। दीर्घ जीवन पाने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए महर्षि वाग्भट ने त्रिदोषों की सम्यावस्था को ही स्वास्थ्य बताया। उनका जोर बीमारी को ठीक करने के साथ स्वास्थ्य रक्षा पर भी रहा। प्रोफेसर भट्ट ने बताया कि वाग्भट के अनुसार वैद्य, औषधि, परिचारक व मरीज चिकित्सा के चतुष्पाद हैं। ये चारों ठीक हो तो चिकित्सा समग्रता में सफल होती है। वाग्भट 10 विध पापों की भी चर्चा करते हैं जो सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वाग्भट का मानना था कि 85% व्याधियां को ठीक करने के लिए दवाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और योग के समन्वय से जीवन शैली को प्रबंधित किया जा सकता है। नियमित सूर्य नमस्कार व योग के सामान्य आसनों का प्रभाव कोई व्यक्ति कुछ ही दिन में महसूस कर सकता है। प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि आज के दौर में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा को साथ साथ चलना चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि छात्र आयुर्वेद की अपार संभावनाओं को जाने, उसके अनुसंधान से जुड़े। आयुर्वेद के छात्रों को संस्कृत भाषा को गहराई से जानना चाहिए, तभी वे आयुर्वेद को सार्थक ज्ञान हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में व्यवहार परक शिक्षण व्यवस्था व संसाधनों की तारीफ करते हुए कहा कि यह आयुर्वेद कॉलेज बहुत जल्द ही उत्तर भारत का सर्वोत्कृष्ट संस्थान होगा। व्याख्यानमाला की अध्यक्षता करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि महर्षि वाग्भट द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में दिए गए योगदान पर मानव समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने सारगर्भित और सहज व्याख्यान के लिए प्रोफेसर MLB भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर DS अजीता, डॉक्टर गणेश पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर पीयूष वर्मा आदि की सहभागिता रही। धनवंतरी व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दीक्षा जानवी राय, प्रिंस साक्षी सिंह निधि ने की, जबकि मंच संचालन वैभव दुबे ने किया। आयुर्वेद पर्व एवं धनवंतरी पर्व साप्ताहिक समारोह के ही अंतर्गत बुधवार को गुरु श्री गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर के छात्रों व अन्य ग्रामीणों में आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का वितरण कर इन पौधों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर प्राथमिक विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शालिनी त्रिपाठी ने आयुर्वेद कॉलेज की इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना की।